44 अरब डॉलर की सबसे महंगी डील क्या पीएम मोदी के इशारे पर हुई? कभी किराए के मकान में रहने वाले मस्क ने सबसे महंगी डील कर ली। सोशल मीडिया पर मोदी का कंट्रोल, फेसबुक, ट्विटर सब मोदी में हुआ। 24 घंटे पहले एक डील हुई, उस डील में ऐसा क्या है कि अमेरिका भी पूरी तरह से डरा है? और डील में ऐसा क्या है कि मोदी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? विपक्ष का एकमात्र हथियार भी एलन मस्क ने छीन कर मोदी के हाथ में पकड़ा दिया है, इसलिए भारत से लेकर अमेरिका तक विपक्षी नेताओं में एक घबराहट देखी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने ट्विटर को खरीदा है वो मोदी का सबसे बड़ा भक्त है, और अब ट्विटर के जरिए मोदी दुनिया भर में अपना मैजिक दिखा सकते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहिए तो मोदी भारत में बैठकर अमेरिका से दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 2 साल में 2 ऐसी डील हुई जो बीजेपी को 2 दशक तक सुरक्षित रख सकती है। पहली डील थी 43,000 करोड़ की, दूसरी डील है 44 अरब डॉलर की। दोनों डील में फायदा मोदी का ही है। किराए के मकान में रहने वाले एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। जिस व्यक्ति के घर में एक कंप्यूटर तक नहीं था, वो व्यक्ति अब दुनिया के हर कंप्यूटर और फोन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि ट्विटर की डील होते ही कहानी एकदम बदल गई है। अब ट्विटर के नए मालिक हैं टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी कि 3,368 अरब रुपए की डील की है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में इसके 21.7 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7.7 करोड़ अमेरिका में है। दूसरे नंबर पर जापान है, जहां 5.8 करोड़ लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। वहीं 2.4 करोड़ यूजर्स के साथ भारत नंबर 3 पर है। यानी ट्विटर पर अगर एलन मस्क ने ऐसा माहौल बनाया जो राइट विंग को पसंद आता है, तो फिर तय है कि लेफ्ट विंग की बची हुई सियासत भी खत्म हो जाएगी। मोदी को दिन भर गाली देने वाले यूजर्स के दिन भी पूरे हो गए हैं, क्योंकि मोदी और एलन मस्क की कुछ बातें ऐसी हैं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। मोदी जब से सत्ता में आए हैं तब से वो युवाओं पर ज्यादा फोकस करते हैं। आप समझिए कि ट्विटर पर युवाओं की संख्या इतनी है कि वो बदलाव की बात करें तो सिस्टम बदल सकता है। शाहीन बाग में आंदोलन होता है तो ट्विटर से दुनिया भर में भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। दुनिया भर में हर दिन करीब 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। खास बात यह है कि ट्विटर के 38% यूजर्स युवा हैं। इनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच है। अगर इन सभी आंकड़ों को मिला दें तो दुनिया भर में ट्विटर से किसी न किसी रूप में जुड़े लोगों का आंकड़ा 21.7 करोड़ से कहीं ऊपर निकल जाता है। और ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कौन नहीं करेगा। ट्विटर इतना पावरफुल है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट तक ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त तक ट्विटर राइट विंग पर बोलने वालों पर कार्रवाई करता था। अब एलन मस्क के आने के बाद लेफ्ट विंग वालों पर खतरा छा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डील मोदी के कहने पर हुई? दरअसल एलन मस्क भारत में अपनी टेस्ला कार लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन मोदी ने इजाजत नहीं दी। और अब मस्क को इसकी इजाजत मिल सकती है, क्योंकि मोदी ट्विटर को हथियार बनाएंगे और एलन मस्क भारत के बाजार में अपना जलवा दिखाएंगे। अब ट्विटर का नया रूप कैसा होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन फेसबुक की कहानी भी सुन लीजिए। साल 2020 में मुकेश अंबानी ने फेसबुक का 9% शेयर खरीदा था। लगभग वो डील 43,500 करोड़ में हुई थी। फेसबुक में मुकेश अंबानी की एंट्री से मोदी को कितना फायदा हो रहा है इसका अंदाजा आपको भी होगा। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा 25 से 35 साल के लोग आते हैं, और ये वर्ग है जो बदलाव की बात कर सकता है। सोशल मीडिया पर मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। पंजाब में जब उनका काफिला रोका गया तो सोशल मीडिया की वजह से ही पंजाब के तत्कालीन सीएम चन्नी को माफी तक मांगनी पड़ी। डील बेशक एलन मस्क ने की हो, लेकिन फायदा मोदी को होने वाला है। और इस बात से भारत का विपक्ष पूरी तरह से सदमे में है। हालांकि जानकारों का दावा है कि अब भारत का वर्चस्व भी दुनिया पर बढ़ेगा। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत।